अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को पूरा देखें, जहाँ आपको समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का ज़रूर जवाब दूंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सुओनो ली इस साउंड के बारे में, यानी कि जी एल ए ई। जब ये तीनों अल्फ़ाबेट जब इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, तो ये कौन सी साउंड निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट है जी, दूसरा है एल ए। एल को इटालियन में एल ए कहते हैं और आई को इटालियन में ई कहते हैं, ठीक है। जी एल ए ई, जब ये तीनों अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलेंगे तो ना तो ये ग्ली की आवाज़ निकालेंगे ना कोई और आवाज़ निकालेंगे। ये इसकी जो साउंड होगी वो होगी ली, ठीक है, ली ली, ठीक है, जी एल ए ई ली, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। जब ये तीनों अल्फ़ाबेट यानी कि जी एल ए ई आपस में मिलेंगे तो ये आवाज़ देंगे ली की, ठीक है। इसको आपने ग्ली नहीं पढ़ना, इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ना, इसको इटालियन में जो इसकी साउंड बनती है वो बनती है ली, ओके। तो इसके साथ उन्होंने एक एग्जांपल दी है, ये वर्ड है फामिलिया, ठीक है, फामिलिया। फामिलिया कहते हैं फैमिली को। और आप अगर देखें तो यहाँ पे ये तीन लफ्ज़ इकट्ठे आए हैं, जी एल ए ई, ठीक है, जी एल ए ई, यहाँ भी आए हैं जी एल ए ई। तो जी एल ए ई, जब ये तीन लफ्ज़ जो हैं, तीन अल्फ़ाबेट जो हैं, जब इकट्ठे आ जाएं तो ये आवाज़ निकालेंगे, ये साउंड देंगे ली की, ठीक है, ली की। तो इसीलिए हमने इसको फामिलिया पढ़ा, इसको फामी आगे जी को ग्ली नहीं पढ़ा, हमने ग्लिया नहीं पढ़ा, ये वर्ड बनेगा फामिलिया, ठीक है, फामिलिया। फामिलिया कहते हैं फैमिली को, ख़ानदान को फामिलिया कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आगे देख लेते हैं, जो नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है आलियो, ठीक है, आलियो, आलियो, ठीक है। ये यहाँ भी तीन लफ्ज़, ये देखें तीन अल्फ़ाबेट तीनों इकट्ठे आए हैं, जी एल ए, तो ये जी एल ए साउंड देंगे ली की। तो अगर हम इसको पढ़ें तो ये प्रोनाउंस करने में ऐसा होगा आलियो। आलियो कहते हैं लहसुन को, यानी कि जो आप उर्दू में, जिसे आप पंजाबी में अक्सर थोम बोलते हैं ना, तो लहसुन को जो है ना आलियो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मालिया। यहाँ भी तीनों वर्ड इकट्ठे हैं, तीनों अल्फ़ाबेट इकट्ठे आए हैं, जी एल ए ई, ये तीनों इकट्ठे आए हैं, तो ये लफ्ज़ बना मालिया। मालिया कहते हैं स्वेटर को, ओके, मालिया कहते हैं स्वेटर को। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल है कोनीलियो, ठीक है, कोनीलियो। कोनीलियो कहते हैं खरगोश को, ये देखें कोनीलियो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट है फोलिया, फोलिया, फोलिया कहते हैं पत्ते को। आगे देखते हैं कौन खिलिए, कौन खिलिए, ठीक है, कौन खिलिए, कौन खिलिए कहते हैं शेल्स को, यानी कि सीपियों को इटालियन में कौन खिलिए कहते हैं। उसके बाद जो एग्जांपल है वो है बिलियेटो, बिलियेटो कहते हैं टिकट को, ठीक है, जो आप बसेस की टिकट हो गई, ट्रेन्स की टिकट हो गई, टिकट को जो है ना बिलियेटो कहते हैं, बिलियेटो। उसके बाद जो एग्जांपल है वो है बोतिलिया, बोतल को, बॉटल को इटालियन में बोतिलिया कहेंगे, ठीक है, बोतिलिया। उसके बाद जो एग्जांपल है वो है लावा स्टोविलिए, ठीक है, लावा स्टोविलिए, लावा स्टोविलिए ये डिश वॉशर मशीन है, डिश वाशर को कहते हैं लावास्तोविलिए। तो ये एक मशीन होती है जिसे आप, मतलब बर्तन बर्तन धोने वाली जो मशीन है उसको कहते हैं लावास्तोविलिए, ओके कपी। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।